वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप विकास सिक्योरिटीज लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, लेटेस्ट अपडेट भी आप चेक करेंगे। तो विकास सिक्योरिटीज क्या आने वाले वीक में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रह सकते हैं, कहाँ पे सपोर्ट एंड रिजिस्टेंस लेने के चांसेस है, वो भी लेवल्स यहाँ पे हम देखने वाले। तो फ्राइडे के दिन यहाँ पे 3.85 पे क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका था विकास सिक्योरिटीज स्टॉक। 5 पैसे अप क्लोजिंग देती 1.32% अप क्लोजिंग देता हुआ नजर आया था। तकरीबन विकास सिक्योरिटीज फ्राइडे के दिन देख सकते प्रीवियस क्लोजिंग जो थे एक स्ट्रॉन्ग रिजिस्टेंस का काम की थी, पर डे एंडिंग में यहाँ पे देख सकते कि प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर ही क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका था। मार्केट कैप पे नजर डाली जाए तो 456 करोड़ का मार्केट कैप है, अभी भी 500 के नीचे यहाँ पे है। तो पी रेशो देखा जाए तो अभी भी पी रेशो के बहुत ही ऊपर है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही ऊपर पी रेशो दिखाई दे रहा है। जो पिछले 5 दिनों की भी मूवमेंट देखी जाए तो पिछले 5 दिनों में तकरीबन 1% से ज़्यादा गिरावट है, और 1 मंथ की बात की जाए तो 2.67% अप है सिर्फ यहाँ पे लास्ट 1 मंथ में। तो विकास इकोटेक का जो चार्ट एनालिसिस है उस पर नजर डाली जाए तो रिसेंटली विकास इकोटेक स्टॉक की बात किया तो काफ़ी दिनों से यहाँ पे देख सकते जो ब्लू कलर की लाइन है जो कि डेली चार्ट फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज है, जिसका यहाँ पे कई दिनों से सपोर्ट ले रहा था यहाँ पे विकास इकोटेक स्टॉक। पर इस मंथ में पिछले 5-6 दिनों में यहाँ पे आप देखोगे तो उसको भी ब्रेकआउट करता हुआ नजर आया था, पर ज्यादा समय से नीचे सेटल नहीं हो रहा। तो कल के दिन में गैप डाउन से ओपन होता है तो गिरावट होने के चांसेस है, पर गिरावट होने के पहले जो 3.65 लेवल जो है सपोर्टिव लेवल है उसको यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है, और यहाँ पे ट्री ब्रेकआउट होता है तो नीचे के साइड और जाने के चांसेस है, और ऊपर गैप अप से ऊपर ओपन होता है तो ऊपर डेक्स होता है कि मंथली पीवट जो है 4 लेवल पे ही है, और उसी के साथ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिजिस्टेंस लेवल है। तो ये 2 लेवल के बीच में चॉपिंग मूवमेंट बनेगी काफी दिन, और जहाँ पे ब्रेकआउट होगा उस साइड मूवमेंट बन सकते हैं। तो ये था लेटेस्ट अपडेट विकास सिक्योरिटीज स्टॉक के लिए।